अपने शुरुआत करियर में ही फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके थे ये सितारे, लेकिन आज है कई गुमनाम। बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि विक्की कौशल को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए ये अवार्ड दिया गया, वहीं आयुष्मान को अंधाधुन के लिए अवार्ड दिया गया है। इस उपलब्धि को पाने पर इन अभिनेताओं को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने बधाइयां दी है। दोनों ही सितारों की फिल्मों ने अच्छी कमाई की थी। ऐसे आज आपको बॉलीवुड फिल्म जगत के उन सितारों के बारे में बता रहे हैं जो अपनी पहली ही फिल्म में अवार्ड जीते थे, लेकिन आगे चलकर वे एक गुमनाम की तरह गायब हो गए। आइए जानते हैं इन सितारों के बारे में। फरदीन खान बॉलीवुड फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता रहे। अभिनेता फिरोज खान के बेटे अभिनेता फरदीन खान बॉलीवुड के चॉकलेटी कहे जाते थे और उनके इस हैंडसम लुक की दीवानी हुआ करती थी। साल 1998 में फिल्म प्रेम अगन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले एक्टर फरदीन खान फिल्मों में ज्यादा कमाल नहीं कर पाए। प्रेम अगन के लिए फरदीन खान को फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू अवार्ड मिला था, लेकिन अब अभिनेता फरदीन फिल्मों से पूरी तरह दूर हो चुके हैं और पहले से उनके लुक में काफी बदलाव हो गया है। चंद्रचूड सिंह अपने समय के चॉकलेटी बॉय रहे। अभिनेता चंद्रचूड सिंह के लाखों फैंस थे। उनके चॉकलेटी लुक ने लाखों लड़कियों को अपना दीवाना बना दिया था। चंद्रचूड ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1996 में आई फिल्म माचिस से की थी। माचिस के लिए चंद्रचूड सिंह को फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला था। इसके बाद उन्होंने साल 1999 में फिल्म डॉग फायर में बतौर लीड एक्टर काम किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, लेकिन बाद आई उनकी फिल्में खास कमाल नहीं कर पाई। धीरे धीरे बॉलीवुड से चंद्रचूड सिंह फिल्मों से गायब से हो गए, यहाँ तक कि उनके लुक में भी बहुत बदलाव आ चुका है। महिमा चौधरी बॉलीवुड फिल्म परदेश से लोगों को अपना दीवाना बनाने वाली अभिनेत्री महिमा चौधरी ने धड़कन और लजा जैसी फिल्मों में काम किया है। उन्होंने इंडस्ट्री में लगभग सभी बड़े नामों के साथ फिल्में की हैं, लेकिन वे ज्यादा सफल नहीं हो पाई। फिल्म परदेश के लिए महिमा चौधरी ने फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवार्ड जीता था, लेकिन अब वे फिल्मों से पूरी तरह दूर हैं और उनका लुक बहुत बदल गया। ममता कुलकर्णी 90 के दशक की बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने अपनी बोल्ड अदाओं से दर्शकों के दिलों में एक खास पहचान बनाई। ममता कुलकर्णी ने करियर के शुरुआती दिनों में फिल्म आशिक आवारा की थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर का न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ममता का करियर ठीक चल ही रहा था कि तभी उनका नाम ड्रग तस्करी करने वाले विजय गोस्वामी के साथ जुड़ गया। तस्करी के चलते विक्की जेल चला गया। ड्रग तस्करी से नाम जुड़ने के बाद ममता कुलकर्णी का करियर खत्म हो गया।